Bro. कब? ब्लॉग में देखा था। वो तो होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। अभी भी कुछ लगवाने जा रहा हूँ इसमें। हाँ भाई साहब, ये कैमरा बार बार बंद हो जाता है यार। ये गर्मी में ओवर हीटिंग का इशू आ गया है। ऑलराइट, सो हेलो यूट्यूब, हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग? माय नेम इज मंतव्य। राइट नाउ आई एम ऑन माय वे टू हनीफ भाईज वर्कशॉप, क्योंकि आज इस मोटरसाइकिल में मैं मेन स्टैंड को थोड़ा लंबा करवाने वाला हूँ, क्योंकि जब से इस मोटरसाइकिल में सस्पेंशन एक्सटेंड करवाया मैंने, तब से मेन स्टैंड ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल मेन स्टैंड पे बहुत इजीली बाइक लग जाती है एंड रेयर टायर ज़मीन पे ही टच रह जाता है। दैट्स डेफिनेटली अ बिग इशू व्हेन यू वांट क्लीन द चेन और लूप द चेन। सो मैं एक सेकंड रुकता हूँ एंड बताता हूँ क्या जुगाड़ करने वाले हैं हम। सो मेरे पास ये स्पेयर में रखे हुए हैं बार एंड वेट्स जो क्लासिक में आते हैं, बिकॉज आई हैव द हिमालयन वंस इंस्टॉल्ड। सो मुझे पहले ये लगता था कि ये कास्ट आयरन के हैं और कास्ट आयरन को यू कांट रियली वेल्ड बिकॉज उस पर क्रैक आ जाता है इफ़ यू वेल्ड ऑन इट, बट दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल मेटल, आई डोंट नो। सो इसको मैं नीचे वेल्ड करवाऊँगा मेन स्टैंड के, जिससे 1 इंच ऊपर हो जाएगा वो, बेसिकली लंबा हो जाएगा वो। सो यार छोटा सा काम है। और हाँ, एक एग्जॉस्ट के ऊपर नट वेल्डेड है, उसको भी मुझे हटवाना है। सो मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे एंड देन लेट्स गेट दिस वर्क डन। सी यू देयर। ठीक है नहीं भाई, ऑलराइट सर, ओके। Just met a viewer. I mean, he doesn't watch regularly, but he was sharing his stories about his rides to Ladakh and around India. अच्छा लगता है यार जो ये same type bikers होते हैं who like modifying their motorcycles and taking them all around the country. नहीं तो सेम पैशन वाले लोग मिलते ही नहीं हैं ऐसे। तो मैं एक जगह रुकता हूँ, देन समझा देता हूँ क्या काम करवाया है। ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है यार। वैसे आज मेरा प्लान था या तो ग्रैब रेल लगवाता मैं, या फिर स्टैंड, मेन स्टैंड जो छोटा हो चुका है जब से मोटरसाइकिल थोड़ी सी ऊंची हुई है। सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैंने वेल्डिंग करवाई है। अब इसको मेन स्टैंड पे लगाने में भी थोड़ा हैवी लग रहा है। लुक एट हाउ हाई द रियर टायर इज़ फ्रॉम द ग्राउंड। और मैंने यहाँ से साइलेंसर के ऊपर से एक, क्या बोलेंगे उसे, हाँ नटी था, वो वेल्ड कटवा दिया क्योंकि बिकॉज उसकी वजह से यहाँ पे, यहाँ का जो कैप वाला नट आता है वो नहीं लग पा रहा था, तो अब लग पाएगा। तो दोनों काम वो ही करवाएं जो रेयर शॉकर एक्सटेंड करवाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक तो मेन स्टैंड ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, ऐसा वाला जो नट आता है वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। ब्रो फर्स्ट और सेकंड गियर में जो इस बाइक में टॉर्क है, अमेजिंग है। The time now is I think 5, so I'm gonna end this video here. पता नहीं, बहुत छोटा वीडियो था, I'm sorry for that, but अभी कुछ टाइम के लिए ऐसे छोटे मोटे वीडियो आते रहेंगे बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मोटरसाइकिल कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एन्जॉयड दिस लिटिल वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव एन अमेजिंग अमेजिंग लाइफ। I'll definitely see you in the next one. Bye bye. Ha ha ha.